नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं, जीमेल की जो सबसे बड़ी समस्या आती है, आप लोगों ने देखी होगी, जीमेल जो है हमें फ्री में 15 GB डेटा देता है इस्तेमाल करने के लिए, और दोस्तों जब वह भर जाता है और हमें समझ नहीं आता है कि ईमेल्स को कैसे डिलीट किया जाए, फाइल्स को कैसे डिलीट किया जाए, कौन से ऐसे ईमेल्स हैं जो सबसे ज़्यादा जगह को घेरे हुए हैं, ये पता करने के लिए दोस्तों जो गूगल ने एक नया अपना स्पेस लॉन्च किया है जिसका नाम है गूगल वन। और आप जैसे ही यहाँ लिखेंगे दोस्तों गूगल वन, तो गूगल की वेबसाइट आएगी one.google.com। ये क्लाउड स्टोरेज है और ये फ़ोन बैकअप, VPN आपको एक्स्ट्रा जब आप बाय कर सकते हैं स्टोरेज को, ये आपको जो है प्रोवाइड कराता है दोस्तों। देखिए वन मेंबरशिप टू गेट मोर आउट ऑफ गूगल, यहाँ पर आप गूगल के सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए जो है यहाँ जो प्लान है, देखिए ये फ्री 15 GB जो आपको दिया जाता है, इसके बाद आप इसका बेसिक प्लान ले सकते हैं दोस्तों। ये 130 रुपये प्रति महीने 100 GB डेटा आपको प्रोवाइड कराता है। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ से, जो मेन चीज़ हमें देखनी है, ये यहाँ पे प्लान्स आ गए हैं और ये स्टोरेज और बैकअप आ गया है दोस्तों। यहाँ पे आप इसके स्टोरेज और बैकअप के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों अब जो बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पर देखिए हम अपने इस ईमेल आईडी का डेटा यहाँ पर आपको दिखाते हैं, जो हमारी आईडी है। ये ऑप्शंस हैं होम, स्टोरेज, बेनिफिट, सपोर्ट। जैसे ही दोस्तों आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि हमारा जो है 15 GB में 6.28 GB ये यूज़ किया हुआ है 41%, और हमारा जो फ़ोन है उसका बैकअप भी ये लेके रख रहा है, और जो क्लीनअप स्पेस है 5 GB प्लस तक हम क्लीन कर सकते हैं दोस्तों। और ये सब कैसे किया जाएगा, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पर चलकर देख सकते हैं कि ये कहाँ यूज़ हुआ है, तो आपको यहाँ देखने मिलेगा। देखिए गूगल ड्राइव पर 0.29 GB अकेला यूज़ हुआ है। हमें लगता है कि ये सब गूगल ड्राइव ने भर दिया होगा डेटा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आपका जीमेल है उसने तकरीबन 6 GB के बीच डेटा लिया हुआ है। गूगल फोटोज़ ने ज़्यादा कुछ अभी शुरुआत नहीं की है। तो दोस्तों इसको करना क्या है और इसकी कहानी कैसे हमको समझनी है, ये बैकअप है जो फ़ोन हमारे सिंगल ईमेल आईडी से लॉगिन होता है वो बैकअप लेता है। हम यहाँ चलते हैं क्लीनअप स्पेस पे, जहाँ पर 5 GB प्लस ज़्यादा डेटा को हम क्लीन कर सकते हैं। और दोस्तों यहीं पर आपको पता चलेगा कि किस ईमेल में कितनी फाइल अटैच होती हैं और कितना डेटा वो लेती हैं। देखिए हम लेकर आ रहे हैं, डिलीटेड ईमेल्स हमारे पास नहीं हैं। डिस्कार्ड करने के लिए जो ईमेल आइटम्स हैं स्पैम में, वो बहुत ही शॉर्ट मेमोरी से दिख रहे हैं। अब जो लार्ज आइटम है दोस्तों, वो होते हैं यहाँ पर शुरू, यू कैन फ्री अप टू, इतना हम फ्री कर सकते हैं। ये कुछ 301 MB का ड्राइव पर डेटा डाला हुआ है, लेकिन जो मेन डेटा है वो देखिए तकरीबन 5.25 GB के आसपास, जो जीमेल के अटैचमेंट्स दोस्तों हैं वो आपको समझने होंगे कि अटैचमेंट्स क्या होते हैं। ये अटैचमेंट हम देखते हैं, क्लिक करेंगे दोस्तों, यही हमारे वीडियो आज के वीडियो का मेन पर्पस है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को पूरे आइटम्स दिखेंगे, किस आइटम में, किस मेल में कौन सी फाइल कितनी जगह घेरी हुई है। ये देखिए ये हमारा मेल है, और ये देखिए 20 MB, 11 MB, 9 MB, 24 MB, 24, 26, 26, 23, ये इतना ज़्यादा डेटा इसने जो है यहाँ पर लिया हुआ है। जब भी हम किसी मेल को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, ये दोनों ही केस में देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आप यहाँ नीचे जाते जाएंगे, ये लोड होता जाएगा और ये लोड होता जाएगा, और आपको बताता जाएगा कि ये किस तरीके से आप यहाँ पर आपके मेल्स ने कितना डेटा लिया है, और आपका ये जो जीमेल है आईडी, ये किस तरीके से जो 6.5 GB भरा हुआ था, ये कैसे भरा है, ये आप देख सकते हैं। ये जो बहुत सारी बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, इन फाइल्स में जो हम कह सकते हैं जो डेटा है ये। अब दोस्तों करना क्या है, मान लीजिए आपको यहाँ से हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद जो है इस तरीके से हम ये देखिए, ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। और अब दोस्तों जैसे ही आप सबसे ऊपर जाएंगे टॉप पर, टॉप पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, और ऑप्शन होगा ये देखिए
फोर आइटम सेलेक्ट हैं जो टोटल हमारे 160 आइटम थे उनमें से, और परमानेंटली डिलीट करने के लिए ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये जो चार कन्वर्सेशन है, जिस एक्शन परमानेंटली डिलीट्स सेलेक्टेड ईमेल कन्वर्सेशन एंड देयर अटैचमेंट, और हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम ये समझ रहे हैं कि ये अब परमानेंटली यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ये हमने दोस्तों यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब आपको एक मैसेज आएगा कि 25 MB के तकरीबन आपने जो है स्पेस यहाँ से फ्री कर लिया है। इस तरीके से दोस्तों आप जो है ये लार्ज अटैचमेंट्स और आपके फ़ोन से संबंधित जो चीज़ें हैं और जो जीमेल में आप सेंड करते हैं रिसीव करते हैं उसको आप गूगल वन स्टोरेज मैनेजर की मदद से जो है सॉल्व कर सकते हैं, और आप अपने डेटा का यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, पता कर सकते हैं किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और अगर आप प्लान को अपग्रेड करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्लान भी मिलेंगे जिसमें आप ये पता कर पाएंगे कि आपको हर महीने कौन सा प्लान लेना चाहिए। वैसे तो ये 15 GB जीमेल के लिए सफिशिएंट है अगर आप इसकी क्लीनिंग टाइम टू टाइम करते रहेंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो गूगल वन से जुड़ा हुआ, आपकी ईमेल की समस्याओं से लेकर जुड़ा हुआ। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, उन्हें भी बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।